दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे दो म्यांमार के नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान हामिद हुसैन और नबी हुसैन के रूप में हुई है। हेड कांस्टेबल नीरज को इन दोनों के अवैध तरीके से उत्तम नगर इलाके में रहने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्तम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि वो दोनों पिछले साल नवंबर महीने में अवैध तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए थे, जिसके बाद से वो लोग यही रह रहे थे। सर, उत्तम नगर थाना इलाके में एफआरआरओ की टीम ने जो है जो कुछ मेहमानी रह रहे थे विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उनको चेक किया। उनमें से दो लोग जो है विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स पाए गए और उनके खिलाफ जो है रिलेवेंट सेक्शंस जो है फॉरनेस एक्ट के, उनमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि 1 नवंबर 2020 को इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, उसके आगे मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस को इनके पास से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों विदेशी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तम नगर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ फॉरनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।